फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आगे चल रहे हैं। मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड्स। अगर लास्ट वीडियो देखा हो तो आपको याद होगा कि हमने टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स पढ़ रहे थे और एक टाइप के इलेक्ट्रोड्स गैस इलेक्ट्रोड्स हमने पढ़ लिए थे। और गैस इलेक्ट्रोड्स हमने तीन टाइप के पढ़े थे, एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्लोरीन इलेक्ट्रोड एंड ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, जिसे हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रूप में काम में लेते हैं। और जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा तो आपको पता होना चाहिए कि उस वक्त हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड विभव का मान शून्य रखते हैं। अब हम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स में दूसरे तरह के इलेक्ट्रोड्स पे आ रहे हैं, धातु धातु आयन इलेक्ट्रोड्स या मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड्स। तो इस प्रकार के इलेक्ट्रोड्स में जो एक बेसिक है, एक रॉड होनी चाहिए, धातु की मेटल की एक छड़ जो कि धातु आयन के विलयन के संपर्क में होती है। यानी हमने उस मेटल को या उस रॉड को, उस धातु को हमने एक सॉल्यूशन में डिप किया हुआ है जो उसी मेटल के आयंस के साथ बनी हुई है। तो हम कैसे लिखेंगे इस इलेक्ट्रोड को? MnN+, यानी धातु और वो अपने ही आयंस के सॉल्यूशन में डिप की हुई है। क्योंकि हम हमेशा कौन सी अभिक्रिया लिखते हैं? अपचयन अभिक्रिया लिखते हैं। तो इस अपचयन अभिक्रिया में Mn+ plus n number of electrons gives n। ना समीकरण लिखें तो EMn+ M gives EMn+ M, E की जगह E0 आ जाएगा, minus RT/NF ln activity of M divided by activity of Mn+। ये जो एक्टिविटी है ये तो सिंपल द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम या लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार लिख देते हैं, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। अब हम जानते हैं कि जब ठोस अवस्था में है तो सक्रियता या एक्टिविटी 1 हो गई, तो हम इसको लिख सकते हैं E(mn+m) E₀(mn+m) माइनस RT/NF ln 1/ एक्टिविटी ऑफ Mn+। तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रोड्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कुछ की हमें दी हुई है, जैसे जिंक और जिंक आयन, यानी जिंक को हमने किसी जिंक सल्फेट में डिप किया हुआ है सपोज करते हैं, तो इलेक्ट्रोड रिएक्शन क्या हो जाएगी? जिंक 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स जिंक। इसी तरह से सिल्वर, सिल्वर प्लस है तो ये हो जाएगा Ag+ प्लस ई इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Ag। और उसी तरह कॉपर, कॉपर 2+, तो ये हो जाएगा कॉपर 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स कॉपर। तो अब ये सारे क्या हो रहे हैं? पॉजिटिव आयंस हैं। तो ये इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो धन आयन या पॉजिटिव आयन के लिए रिवर्सिबल या उत्क्रमणीय हैं। अमलगम, अमलगम का मतलब मरकरी से बना हुआ कोई मेटल या नॉन मेटल जिसके साथ मरकरी जुड़ा हुआ है। तो अमलगम इलेक्ट्रोड पानी के साथ जब रिएक्ट करता है, पानी जल से क्रिया करने वाले धातु की स्थिति में धातु जो है वो मरकरी के साथ अमलगम बनाती है। यानी कोई ऐसे नॉन मेटल्स या मेटल्स जो पानी के साथ डिसॉल्व हो जाते हैं, मरकरी के साथ रिएक्शन करते हैं और फिर क्या बना लेते हैं? उसी मेटल का अमलगम। जैसे सोडियम है, सोडियम का अमलगम बन गया तो सोडियम HG और साथ में क्या बनेगा? सोडियम आयन। कैडमियम HG यानी कैडमियम का अमलगम कैडमियम 2+, लिथियम HG लिथियम प्लस और लेड HG लेड प्लस। तो इस तरह से ये अमलगम इलेक्ट्रोड्स हैं। अमलगम इज बेसिकली मरकरी अटैच्ड विद एनी मेटल आयन। अब क्या रिएक्शन होगी जब हम अमलगम के साथ रहेंगे? तो रिडक्शन हो रहा है, लेड 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स लेड
जॉइंट हो गया है, मरकरी इसके साथ जुड़ गया, लेड अमलगम। तो ई ऑफ अमलगम, ठीक है, ई ए का मतलब ई ऑफ अमलगम इज इक्वल्स टू ई जीरो ऑफ पी वी, यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ लेड माइनस आर टी बाय एन एफ एल एन एक्टिविटी ऑफ लेड डिवाइडेड बाय एक्टिविटी ऑफ लेड आयन। इज ए इज इक्वल्स टू ई जीरो पी बी माइनस आर टी बाय एन एफ एल एन एक्टिविटी ऑफ पी बी माइनस आर टी बाय एन एफ एल एन वन अपॉन ए पी बी प्लस। ठीक है, हमने इसको दो में डिवाइड कर दिया है कि एक बार एक्टिविटी ऑफ लेड और एक बार एक्टिविटी ऑफ लेड आयन। अब हम जानते हैं कि ई ए इज इक्वल्स टू ई जीरो ए, ठीक है, तो ई जीरो पी बी माइनस आर टी बाय एन एफ एल एन ऑफ एक्टिविटी ऑफ पी बी को हमने क्या लिख दिया, ई जीरो ए प्लस आर टी बाय एन एफ, माइनस की जगह प्लस कर दिया तो एक्टिविटी ऑफ लेड आयन ऊपर आ गया, प्लस आर टी बाय एन एफ एल एन एक्टिविटी ऑफ लेड आयन। तो इस तरह से जब लेड विथ मरकरी यानी लेड अमलगम का इलेक्ट्रोड है तो हम अमलगम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारे हैं दूसरी तरह के इलेक्ट्रोड्स पर जिसमें है धातु अविलय लवण इलेक्ट्रोड्स यानी मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है भी, और क्यों इम्पॉर्टेंट है कि देखो, क्योंकि ये कुछ ही तरह के इलेक्ट्रोड्स हैं, दो या तीन तरह के इलेक्ट्रोड्स हैं जो मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स में धातु के संपर्क में इलेक्ट्रोड लगाया, मेटल है, मेटल उस इलेक्ट्रोड को हम धातु के बहुत मिनिमम स्परिंगली सॉल्युबल बोलते हैं, लवण और लवण का ऋणायन होता है। जैसे हमने क्या लिया है, सिल्वर और सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड, यानी मेटल मेटल के साथ उसका नेगेटिव आयन भी है क्लोराइड। तो इस इलेक्ट्रोड में हमने डायग्राम से आप देखो, हमने क्या लिया है, एक सिल्वर का तार लिया है, बीच में एक दिख रहा है सिल्वर का वायर आपको, उस सिल्वर के वायर को हमने HCl विलयन में डिप कर दिया है, संपर्क में है, और इस प्रकार से इस सिल्वर के तार के ऊपर चारों तरफ क्या डिपॉजिट हो जाता है, सिल्वर क्लोराइड की एक परत बन जाती है। ठीक है, तो पहले सबसे अंदर एक सिल्वर वायर है, उसके चारों तरफ सिल्वर क्लोराइड सिल्वर क्लोराइड डिपॉजिट हो गया है और हमने इसको HCl के सॉल्यूशन में रखा हुआ है, और ये जो है सिल्वर सिल्वर क्लोराइड की जो चीज है वो किसके संपर्क में है, क्लोराइड आयन के संपर्क में। क्यों, क्योंकि HCl जो है वो किस में कन्वर्ट रहता है, H प्लस और Cl माइनस में। तो ये एक डायग्राम है सिल्वर सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड का, और हम इसको कैसे लिखेंगे, तो सबसे बाहर Ag सॉलिड अवस्था में रॉड के रूप में, फिर AgCl सॉलिड उसके चारों ओर जमा हुआ हुआ है, और फिर क्लोराइड आयन जो कि HCl सॉल्यूशन के अंदर से आयनिक फॉर्म में है। तो ये हमारा सिल्वर सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड को लिखने का तरीका है। अब रिएक्शन क्या हो रही है, तो रिएक्शन में AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन Ag सॉलिड में कन्वर्ट हुआ और क्लोराइड आयन्स आ गए। अब चूंकि क्लोराइड नेगेटिव आयन है तो ये इलेक्ट्रॉन ऋणायन या नेगेटिव आयन के प्रति रिवर्सिबल हुआ। नेक्स्ट इक्वेशन लिखें तो E ऑफ Ag AgCl, E का मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या ऑफ सिल्वर सिल्वर क्लोराइड इज इक्वल्स टू ई जीरो ए जी ए जी सी एल यानी स्टैंडर्ड विद्युत वाहक बल मानक माइनस आर टी बाय एन, एन नहीं लिखा
क्यों नहीं लिखा? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक है। माइनस आर टी बाय एफ एल एन एक्टिविटी ऑफ सी एल माइनस एक्टिविटी ऑफ ए जी सॉलिड डिवाइडेड बाय एक्टिविटी ऑफ ए जी सी एल सॉलिड। जहाँ हम सॉलिड अवस्था लेते हैं, ठोस अवस्था लेते हैं, वहाँ अपने आप सक्रियता का मान एक हो जाता है। तो एक्टिविटी ऑफ ए जी एस और एक्टिविटी ऑफ ए जी सी एल एस दोनों एक हैं। तो ये हमारी इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गई। ए जी माइनस ए जी सी एल इज इक्वल्स टू ई जीरो ए जी माइनस ए जी सी एल माइनस आर टी बाय एफ एल एन एक्टिविटी ऑफ सी एल माइनस। तो ये हमारा इलेक्ट्रोड है और इसको हम बहुत आसानी से बना सकते हैं, यानी सिल्वर सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड को सरलता से हम बना सकते हैं। और इसीलिए हम नॉर्मली इस इलेक्ट्रोड को एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में काम में लेते हैं। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड द्वारा एजी एजीसीएल इलेक्ट्रोड का हम स्टैंडर्ड भी कर सकते हैं। एक तरफ हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगाया, दूसरी तरफ हमने सिल्वर सिल्वर क्लोराइड लगाया और हम इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करके हम इसको स्टैंडर्ड बना सकते हैं। दूसरा है कैलोमल इलेक्ट्रोड। कैलोमल इलेक्ट्रोड भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कई बार आपसे टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स में दो नंबर में कैलोमल इलेक्ट्रोड पूछा जा सकता है। तो बेसिकली जहाँ बात कैलोमल की आती है, इसका मतलब वहाँ मरकरी है। और इस इलेक्ट्रोड में मरकरी यानी एच जी, फिर साथ ही साथ क्या है, मर्क्यूरस क्लोराइड यानी एच जी टू सी एल टू। और एच जी टू सी एल टू को हम क्या कहते हैं, मर्क्यूरस क्लोराइड को हमने नाम दिया है कैलोमल, तथा के सी एल के विलयन के संपर्क में रखा जाता है। तो क्या स्थिति हो रही है, सबसे पहले एच जी, फिर एच जी टू सी एल टू, दोनों एच जी लिक्विड अवस्था में है, फिर एच जी टू सी एल टू सॉलिड अवस्था में है, और फिर के सी एल का सोल्यूशन है। तो ये पूरी चीज क्या कहला रही है, कैलोमल इलेक्ट्रोड। अब कैलोमल इलेक्ट्रोड कैसा दिखता है, डायग्राम से हमें इसे बहुत अच्छे से समझ में आता है कि कैलोमल इलेक्ट्रोड कैसा है। तो इस इलेक्ट्रोड में मरकरी, मर्क्यूरस क्लोराइड और केसीएल क्विलियन के संपर्क में है। तो ये हमारा डायग्राम है। एक कठोर मतलब सॉलिड हमने एक कांच की नली ली है और जिसमें दो साइड ट्यूब्स लगी हुई हैं, ठीक है। नीचे की ओर बॉटम की तरफ हमने एक प्लेटिनम का तार लगा रखा है और वो तार थोड़ा सा नली से बाहर भी निकल रहा है, वो हमें आप बाहर दिखाई दे रहा है। अब इस भाग को दूसरी नली में जोड़ दिया जाता है और इस नली का तथा मुख्य नली का के पैंदे में हम, अब इसमें हमने प्लेटिनम का वायर रखा, वायर के साथ हमने यहाँ नीचे की तरफ मरकरी भर दिया है। मरकरी लिक्विड अवस्था में है, ठीक है। तो प्लेटिनम के वायर के आसपास हमने पूरा मरकरी से भर दिया है। प्लेटिनम तार द्वारा दोनों नलिका के मरकरी में विद्युत संपर्क रखा जाता है। प्लेटिनम वायर क्यों रखा है, क्योंकि मेटल हमें चाहिए इलेक्ट्रिक करंट के पास होने के लिए। तो प्लेटिनम लिया, प्लेटिनम को मरकरी से भर दिया। अब उस मरकरी के ऊपर हमने मरकरी प्लस मर्क्यूरस क्लोराइड का एक पेस्ट बनाया और उस पेस्ट से उसको भर दिया और उसके ऊपर हमने क्या भरा, केसीएल का सॉल्यूशन, एक कंसंट्रेशन का, नॉन कंसंट्रेशन का केसीएल का सॉल्यूशन भरा है। तो इस तरह से सबसे नीचे प्लेटिनम, उसको मर्करी में डिप किया, फिर मर्क्यूरस क्लोराइड प्लस एचजी का पेस्ट और उसके ऊपर केसीएल सॉल्यूशन। तो ये पूरी चीज हमारी कहलाती है कैलोमल इलेक्ट्रोड। अब कैलोमल इलेक्ट्रोड वर्क कैसे करता है, तो कैलोमल इलेक्ट्रोड में अगर हम देखें तो रिएक्शन क्या हो रही है, मर्क्यूरस क्लोराइड HG2Cl2 जो कि सॉलिड अवस्था में है, दो इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, Hg लिक्विड में कन्वर्ट हो गया और 2Cl- बने। और अब
E of calomel is equals to E0 of calomel minus RT by NF. N कितना है? 2. तो हमने 2F लिख दिया. LN, activity of mercury 2 है इसलिए square into activity of Cl- का भी square और activity of Hg2Cl2 solid. अब activity of Hg liquid है, activity of Hg2Cl2 solid है, तो क्या हो गई? 1 हो गई. और हमारी equation आई E of calomel is equals to E0 of calomel minus RT by 2F ln activity of Cl minus का square. ठीक है, तो अब हम सीधा सीधा कह सकते हैं, जो हम equation बता रही है कि जो हमारा electrode potential है E calomel, उसका मान सिर्फ और सिर्फ chloride ion की सक्रियता पर ही निर्भर करता है, यानी मर्करी का इसमें कोई रोल नहीं है. अतः KCl विलयन, अब क्लोराइड कहाँ से आ रहा है? KCl से. तो पोटेशियम क्लोराइड या KCl विलयन की हम अलग अलग सांद्रताएं अगर लेते हैं तो हमें अलग अलग कैलोमल इलेक्ट्रोड बना सकते हैं. जैसे हमें अगर हमने KCl का सॉल्यूशन 0.1 N लिया है तो उस स्थिति में हमारे कैलोमल इलेक्ट्रोड आता है 0.338V. अगर हम 1 लेते हैं तब भी उतना ही आता है, पर अगर हम बहुत सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेते हैं तो उस वक्त हमारा कैलोमल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम हो जाता है 0.2415. तो इस तरह से हम अधिकतर जो हैं वो इलेक्ट्रोड सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड बनाते हैं जिसमें KCl का हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेते हैं. तो HCE का मतलब सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड या संतृप्त कैलोमल इलेक्ट्रोड ही काम में लिया जाता है. और संतृप्त क्या संतृप्त है? उसमें KCl का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया गया है और उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कितना है? 0.2415 वोल्ट. अब जो है वो बीच में थोड़ा सा एक ये जो बीच का पार्ट है ये आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ से आया है, तो एक्चुअल में ये स्लाइड जो है वो पहली है जहाँ हम मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड पढ़ रहे थे उसका एग्जांपल है. थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ मैं, क्योंकि वहाँ से हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स पहले आ गए इनसॉल्युबल वाले. अब हम वापस अगर आप मेटल मेटल आयन पे आए तो हम एक मेटल ले रहे हैं प्लेटिनम और उसको हमने विलयन के संपर्क में रखा है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ रही हैं. जैसे हम वहाँ पढ़ रहे थे जिंक जिंक 2 प्लस, अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं? एक मेटल लिया है और उसको हमने ऐसे सॉल्यूशन में रखा है जिसमें एक ही मेटल की दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ रही हैं. जैसे प्लेटिनम के साथ हमने आयरन 3 प्लस भी है, आयरन 2 प्लस भी है, इसी तरह से प्लेटिनम के साथ Sn4 प्लस भी है और Sn2 प्लस भी है, और प्लेटिनम के साथ सीरियम की भी 4 प्लस भी है और 2 प्लस भी है. तो इलेक्ट्रोड रिएक्शन क्या होगी? रिडक्शन होगा कि फेरिक इज कन्वर्टेड इनटू फेरस, यानी Fe3 प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेता है और Fe2 प्लस में कन्वर्ट होता है. उसी तरह से Sn4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और Sn2 प्लस में कन्वर्ट होता है. सीरियम 3 प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेता है और सीरियम 2 प्लस में कन्वर्ट होता है. तो इस स्थिति में हम एक जनरल फॉर्मूला निकाल लेते हैं कि E ऑफ रिडॉक्स. रिडॉक्स क्यों? क्योंकि ऑक्सीकरण अपचयन दोनों हो रहा है. तो E0 रिडॉक्स माइनस RT by NF ln, ऊपर क्या लिखेंगे? एक्टिविटी ऑफ रिडक्टेंट रिड्यूस्ड स्टेट डिवाइडेड बाय एक्टिविटी ऑफ ऑक्सीडाइज्ड स्टेट, यानी अपचायक अवस्था अपचयन अवस्था अपॉन ऑक्सीकृत अवस्था. तो ये एक जनरल फार्मूला आ गया है इस तरह के इलेक्ट्रोड्स के लिए.
इस तरह के इलेक्ट्रोड्स में एक इम्पॉर्टेंट है जिसे हम कहते हैं ग्लास इलेक्ट्रोड, और ग्लास इलेक्ट्रोड भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कैलोमल था। ठीक है, तो ग्लास इलेक्ट्रोड में हम एक ऐसा ग्लास लेते हैं जिसकी कंडक्टेंस बहुत ज़्यादा हो और मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हो। अब हम इसमें ऊपर की तरफ ट्यूब लेते हैं, नीचे हमने एक उसको बल्ब का आकार दे दिया है, और इस बल्ब में हम कोई भी अम्ल भरते हैं जिसका पीएच हमें पता है। ठीक है, सपोज करते हैं कि नॉर्मली हम इसमें 0.1 mm HCl लेते हैं और पीएच हमें इसकी पता होती है। अब इसमें एक ऊपर से एक एजी वायर डिप डाला, और चूंकि HCl है तो AgCl की एक परत चढ़ी हुई है, और ये जो है इसका सॉल्यूशन है, तो इसको हम ग्लास इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो हमने कितने टाइप के इलेक्ट्रोड्स पढ़ लिए हैं? ग्लास इलेक्ट्रोड, कैलोमल इलेक्ट्रोड, सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। तो ये इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोड्स हैं, कभी कभी शॉर्ट नोट्स में आपके बड़े क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है। अब इसमें रिएक्शन हो रही है, तो इसमें जो रिएक्शन है Ag सॉलिड, AgCl सॉलिड, HCl 0.1 mm कांच है, तो अज्ञात pH के विलयन में रखा गया। नर्स्ट के समीकरण से हम कहते हैं कि E ऑफ G, G मतलब ग्लास, इज इक्वल्स टू E0 ऑफ G माइनस RT बाय F ln एक्टिविटी ऑफ A प्लस। अब लॉग को हमने कन्वर्ट कर दिया 2.303 RT बाय F लॉग ऑफ एक्टिविटी ऑफ H। लॉग ऑफ एक्टिविटी ऑफ क्या है? pH। सिंपल चेंज हो गया, Eg इज इक्वल्स टू E0 G प्लस 0.591 pH। तो इस तरह से इस इलेक्ट्रोड को यूज करके हम अननोन सॉल्यूशंस की पीएच ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्लास इलेक्ट्रोड हमारा बेसिकली पीएच कैलकुलेट करने के काम आता है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स हमने इस वीडियो में पढ़े हैं।